बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मजेदार और गर्मियों में तरोताजा रहता है। इससे हमें बहुत अच्छी, हमारी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होती है क्योंकि ये गुड़ से बना है, और जो हमारे वेट को भी नहीं बढ़ने देता क्योंकि इसमें शुगर नहीं है। तो इसलिए ये जो रस है गर्मियों में ही पिया जाता है, पर गन्ने का रस बिना गन्ने के अगर आप घर पे बना ले बढ़िया सा तो बात ही अलग है, और घर के गन्ने के रस के बनने की स्वाद भी अलग ही आता है। तो जरूर बनाकर इसको इंजॉय करिएगा और रेसिपी को पूरा फॉलो करिएगा। गन्ने का रस बनाने के लिए ये सबसे पहले मैंने गुड़ लिया है, और गुड़ को इस तरीके से मैंने चाकू से या बेलन से आप किसी तरह भी इसको थोड़ा सा कूट लीजिए या काट लीजिए, और उसके बाद इसमें नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी डालकर हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए मेल्ट होने के लिए छोड़ देंगे। गुड़ जो है अच्छे से मिक्स हो गया है, और जो ये छोटे छोटे से टुकड़े वगैरह बचे हैं ये जब हम इसको पीसेंगे तो इसके साथ ही पिस जाएगा। तो इस तरीके से देखिए गुड़ का रंग भी बदल गया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम ये जो गुड़ था पिघला हुआ ये सारा डाल देंगे, इसमें जो छोटे छोटे से टुकड़े हैं वो भी डाल देंगे, और इसमें हम डालेंगे नींबू का रस। ये 2 नींबू लिए हैं क्योंकि मैं 5 से 6 गिलास गन्ने का रस बना रही हूँ, तो 2 नींबू का रस निकाल कर मैंने इसमें डाल दिया है। और गन्ने के जूस में अदरक का फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छा आता है, तो थोड़े से टुकड़े मैंने छोटे छोटे अदरक के डाले हैं, और पुदीना जो है वो गन्ने के रस को एक बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। तो एक पूरा बंच अच्छी तरीके से भर कर मैं इसमें पुदीने का पत्ता डाल रही हूँ, और अब मैं इसको एक बार अच्छी तरीके से पीस लूँगी।